जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम घटना चक्र के प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक दशाएं थी उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ मगध राज का उत्कर्ष और उसके अंतर्गत जितने भी राजवंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंदवंश और यूनानी आक्रमण जो भारत पर किया गया था उससे रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS पीढ़ी में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों प्राचीन भारत से रिलेटेड बहुत सारे जो वीडियो हैं वो बनाकर प्लेलिस्ट में डाल रखा है, तो अभी तक जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक दशाएं थी और उसके अंतर्गत जो जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत जिन राजवंशों का उदय हुआ था जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, उनसे रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS पीढ़ी में पूछे गए उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे। तो याद रखना है दोस्तों, भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के मिलते हैं हमको वह चांदी के रूप में मिलते हैं, तो याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के कहे जाते थे या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था दोस्तों, और यह VBI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अंग की जो राजधानी थी दोस्तों वह चंपा थी, बिल्कुल सही है। वत्स का जो था दोस्तों वह कौशाम्बी, बिल्कुल सही है। कौशल का जो था दोस्तों वह राजधानी अहिच्छित्र नहीं था बल्कि क्या था, तो याद रखना है कि कौशल की जो राजधानी थी दोस्तों वह श्रावस्ती थी, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो बी जो है सुमेलित नहीं है। वत्स का मत्स्य का क्या था दोस्तों, विराटनगर, यह बिल्कुल सही है। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों, साकेत तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी दोस्तों, अहिच्छित्र, जबकि दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो काम्पिल थी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, से सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों, तो चंद्र प्रघोत कहाँ के राजा थे, तो याद रखना है कि यह अवंती के राजा थे। फिर उदयन कहाँ का राजा था दोस्तों, तो यह वत्स का राजा था। प्रसेंजित कहाँ के थे, तो यह कौशल नरेश प्रसेंजित थे। और अजाशत्रु कहाँ का शासक था दोस्तों, तो मगध का शासक था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3, 4, 2, 1 होगा। अब किसमें है दोस्तों 3, 4, 2, 1, तो 3, 2, 4, 1 किसमें है दोस्तों, तो 3, 2, 4, 1 किसमें है, तो सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, चंद्र प्रघोत किस प्राचीन गणराज के राजा थे, तो याद रखना है कि यह अवंती जो गणराज था दोस्तों उसके राजा थे चंद्र प्रघोत। तो चंद्र प्रघोत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। बिंबिसार के समय मगध के साथ चंद्र प्रघोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रघोत को पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था, और यह VBI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है कि बिंबिसार ने अवंती के नरेश को जो पांडु रोग हो गया था अपने राजवैद्य को भेजा था, उस राजवैद्य का क्या नाम था दोस्तों, तो जीवक था। तो याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। नेक्स्ट है, अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो यह कहाँ पर खोदी गई थी दोस्तों, तो यह कलिंग में खोदी गई थी। और कलिंग कहाँ पर है दोस्तों, तो उड़ीसा में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो खारवेल के हाथीगुबा अभिलेख से नंद राजा महापद्मानंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिन सिंह की एक प्रतिमा उठा ले गया था तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, तो याद रखना है उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो क्या था दोस्तों, तो अवंतिका था। तो मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियां में से एक थी दोस्तों। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी याद रखना है उज्जैन था, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो महेशमती थी। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अवंती को अवंतिका भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिर है दोस्तों निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। क्रमशः ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? तो ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है और डी कौन सा है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, इसमें जो ए है वह मत्स्य है, बी जो है दोस्तों वह अवंती है, सी जो है दोस्तों वत्स है और डी जो है दोस्तों अंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी। तो याद रखना है दोस्तों, प्रश्नगत मानचित्र में ए बी सी डी में क्रमशः मत्स्य, अवंती, वत्स तथा अंग महाजनपदों को दर्शाया गया है। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ है। इसकी राजधानी क्या थी? तो मत्स्य की राजधानी थी दोस्तों विराटनगर। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो महेशमती। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी दोस्तों। उत्तरी बिहार में वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चंपा जो थी दोस्तों इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष दोनों में उल्लेखित है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसमें स्टार लगा हुआ है, देखते हैं इसका रीजन क्या है। तो मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष दोनों में है। विराटनगर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। याद रखना है दोस्तों, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहां व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत एवं महाभाष में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? याद रखना है, इसका दो आंसर दे रहा है। एक तो हो गया मध्यमिका नगरी और एक हो गया विराटनगर जिसको बैराट भी कहा जाता है दोस्तों। इन दोनों का जो संबंध है वो महाभारत और महाभाष दोनों से है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो याद रखना है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो जो उदयन था वह पाटलिपुत्र का संस्थापक था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। तो याद रखना है दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी रही थी दोस्तों। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। सॉरी दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपको याद रखना है कि जो पाटलिपुत्रा नगर था दोस्तों वह उत्तर में गंगा नदी तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। तो याद रखना है कि प्राचीन पाटलिपुत्रा आधुनिक पटना उत्तर में गंगा और तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो याद रखना है कि पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया था दोस्तों किस शासक के द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है दोस्तों पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो याद रखना है दोस्तों, वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हरियक वंशीय शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है दोस्तों। अतः दिए गए विकल्पों में कौन सा है दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो याद रखना है, पाटलिपुत्र किसने बसाया था दोस्तों? तो उदयन ने जो है दोस्तों पाटलिपुत्र को बसाया था। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा जो है दोस्तों पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी के रूप में चयन किया गया था। नेक्स्ट है, उदयन वासव दत्ता की दंतकथा संबंधित है। तो याद रखना है, उदयन वासव दत्ता की दंतकथा किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह उज्जैन से संबंधित है और यह अभी भी यही सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो उदयन वासव दत्ता की दंतकथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक क्या लिखा है दोस्तों? उस नाटक का नाम है स्वप्न वासव दत्तम। याद रखना है कि इस कथा को महाकवि भास ने लिखा है, उसका नाम क्या है? तो स्वप्न वासव दत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रघोत की पुत्री वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये कथा उस समय की है जब उदयनी उज्जैनी के कारागार में कैद था दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो याद रखना है कि किस शताब्दी में हुआ था दोस्तों मगध साम्राज्य का उत्कर्ष? तो याद रखना है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था।
तो याद, सॉरी दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों आपको कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था दोस्तों वह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था दोस्तों कौन, तो बिंबिसार। और इसका कार्यकाल कब से कब था, कि तो 544 से 492 ईसा पूर्व था। यह हर्य कुल से संबंध था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था, तो कौन था दोस्तों, तो वह था मगध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। तो ईसा पूर्व याद रखना है दोस्तों, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल अंग काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंद्विता थी। इसमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और अंततः इसमें सफल किसने हासिल की दोस्तों, तो मगध ने हासिल की। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था दोस्तों, तो याद रखना है कि इसमें स्टार लगा हुआ, देखते हैं क्या रीजन है। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भग्य, अल कप के बुली, केशपुत के कालाम, रामगाम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, यधोय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यधोय गणतंत्र का समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है दोस्तों। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में से गुप्त काल तक विद्वान रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह क्या हो जाएगा, तो याद रखना है आपको कि इसमें से सब हो जाएगा दोस्तों, मतलब यधोय और लिच्छवी हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें तो सबका सब सम्मिलित है दोस्तों, यानी प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, तो इसमें सब था दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन में याद रखना, शाक्य भी था, लिच्छवी भी था और यधोय भी था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो याद रखना है विश्व का जो पहला गणतंत्र था दोस्तों वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो यह लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो वैशाली में लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज था। लिच्छवी वज्जी संघ के संघ में सर्व प्रमुख था दोस्तों, तो यह भी याद रखना है। नेक्स्ट, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो याद रखना है किसमें, कहाँ पर थी दोस्तों, तो यह वैशाली में थी। बीपीएससी में बार बार ये सवाल पूछा गया है, तो आगे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है, तो कौन सा युग्म जो उपयुक्त जोड़ी है दोस्तों, तो चेतक जो थे लिच्छवी नरेश थे, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी लिच्छवी गणराज से संबंधित थे। तो राजा चेतक लिच्छवी गणराज के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था दोस्तों। नेक्स्ट है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, तो किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है दोस्तों, तो वह है अंगुत्तर निकाय। अगर पूछा जाए कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो याद रखना है उस जैन ग्रंथ का नाम है दोस्तों भगवती सूत्र। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है, अंग मगध काशी कौशल वज्जी मल चेदी वत्स कुरु पंचाल मत्स्य सुरसेन अस्मक अवंती गंधार कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है दोस्तों। तो ये दोनों पॉइंट भी है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किसमें उपलब्ध है दोस्तों, तो यह है अंगुत्तर निकाय में, जो कि एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक बौद्ध धर्म ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो कौन सा है दोस्तों, तो अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित है। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित हो, तो याद रखना है दोस्तों पाणिनि के अष्टाध्याय में किन जनपदों का उल्लेख है, तो याद रखना है आपको कि इसमें मगध का उल्लेख है दोस्तों, अस्मक का है और किसका है दोस्तों, तो कंबोज का है, जबकि चेदी और वत्स का इसमें उल्लेख नहीं है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी सी।
तो याद रखना है पाणिनि, पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। इनका जन्म जो है दोस्तों तत्कालीन उत्तर पश्चिमी भारत के गंधार में हुआ था, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पाणिनि से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख था मगध, अस्मक, कम्बोज, गंधार, सूरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो याद रखना है आपको दोस्तों किसमें मिलता है, तो जैन ग्रंथ है दोस्तों भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों अंगुत्तर निकाय, इन दोनों में 16 महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ए होगा। नेक्स्ट है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी, तो उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी दोस्तों वो कहाँ पर स्थित थी? तो याद रखना है आपको यह अहित क्षेत्र में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। तो उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी दोस्तों वह अहित क्षेत्र थी। याद रखना है दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ थी, तो कांपिले थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियाँ थी दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जबकि मथुरा जो थी दोस्तों वह सूरसेन की राजधानी थी। तो ये सारे के सारे वीवीआई पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो थी दोस्तों वह सूरसेन की राजधानी थी। नेक्स्ट है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी दोस्तों चंपा। मगध की राजधानी क्या थी दोस्तों प्रारंभ में? तो राजगिरी थी। तो याद रखना है कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों वह क्या थी? तो राजगिरी थी, जिसे राजगिरी भी कहा जाता है दोस्तों। वैशाली की राजधानी जो थी दोस्तों वह वज्जी थी। और कौशल का क्या था? तो याद रखना है श्रावस्ती थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना है दोस्तों कि उत्तरी बिहार में वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे, इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है और यह वीवीआई पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। तो याद रखना है कि अंग का जो निर्माण है दोस्तों, अंग महानगर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो महागोविंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी। तो याद रखना है शक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो चेदी की राजधानी थी दोस्तों शक्तिमती। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वह क्या थी? तो सोतवती थी। इसकी पहचान महाभारत में शक्तिमती के रूप से की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो याद रखना है कि अस्मक जो था दोस्तों वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था और यह वीवीआई पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बौद्ध अब इससे रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। तो याद रखना है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में अस्मक या अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी पहचान पैठन या पोतन या पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी दोस्तों। नेक्स्ट है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो कहाँ पर स्थित था दोस्तों? तो यह राजस्थान में स्थित था मत्स्य महाजनपद। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो विराटनगर थी। नेक्स्ट, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखना कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों वो कौन थी? राजगिरी थी, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है। तो पुराणों के अनुसार मगध पर याद रखना है पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा वृद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हो गई थी दोस्तों, जिसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदय ने अपनी राजधानी राजगिरी से कहाँ पर स्थापित किया दोस्तों? तो पाटलिपुत्र स्थापित किया। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो याद रखना है दोस्तों मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह कौन थी? तो याद रखना है राजगीर थी, यानी गिरिब्रज। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो याद रखना है कि मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो इसमें से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रथम राजधानी क्या थी? तो राजगिरी थी, जो कि इस ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मगध की राजधानी नहीं थी? तो याद रखना है मगध की राजधानी कौन सी नहीं थी दोस्तों, तो कौशाम्बी नहीं थी, जबकि राजगिरी गिरिब्रज, जैसे राजगीर को गिरिब्रज भी कहा जाता है दोस्तों, और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। तो गिरिब्रज या राजगीर और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही, जबकि कौशाम्बी पर्वत राज का शासन था। हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी दोस्तों, याद रखना। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो किस आकृति का है दोस्तों प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास, तो याद रखना है आपको अर्ध चंद्राकार है दोस्तों श्रावस्ती नगर का विन्यास, नगर विन्यास। और यह वीवीआई सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत यानी वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की है। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास जो है दोस्तों अर्ध चंद्राकार था दोस्तों। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह था दोस्तों अजातशत्रु। तो मगध का जो शासक था दोस्तों अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने की थी दोस्तों, कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है दोस्तों ने कर दी थी। तो याद रखना कि ये उदयन है और एक कौशाम्बी के वत्स राजा हैं दोस्तों उदयन, इनसे ये दोनों भिन्न, ये दोनों नाम अलग अलग हैं। ये हर्यक वंश से संबंधित है और वह वत्स का राजा है दोस्तों, कौन? उदयन। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजातशत्रु किस वंश से बिलोंग करता था दोस्तों? तो हर्यक वंश से बिलोंग करता था। नेक्स्ट, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था तो कौन था दोस्तों? तो अजातशत्रु उत्तरदायी था अपने पिता की मृत्यु के लिए। इतिहास में इसे क्या कहा गया? तो कुनिक भी कहा गया। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, किस मगध साम्राज्य ने वज्जी गणसंघ को हरा कर आत्मसात किया था? तो कौन था दोस्तों? तो वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो मगध साम्राज्य का राजा था दोस्तों, उसने वज्जी गणसंघ को हरा कर आत्मसात किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, इसे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज था, यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध तथा वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया है। निराय वल्ली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान चेटक था दोस्तों। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों और 18 गणराज्यों को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सबका विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया का पाटलिपुत्र में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, याद रखना है दोस्तों। तत्पश्चात उसने अपनी मंत्री वत्स्यकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दिया, याद रखना है। इस मंत्री का भी नाम पूछा गया है कि किस मंत्री को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवाया गया था? तो वो था दोस्तों वत्स्यकार। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंतोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों। नेक्स्ट, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। और यह वीवीआई सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती को जीतकर यानी मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो महापद्मा नंद था। तो मगध में शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वह कौन था? तो याद रखना है, महापद्मानंद अथवा उग्रसेन था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पुराणों में महापद्मानंद को क्या क्या कहा गया? तो सर्व छत्रांतक अपरो परशुराम कहा गया। तो याद रखना है, पुराणों में महापद्मानंद को सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम भी कहा गया है। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा वीवीआई हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भी गया कि मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो वो कौन था दोस्तों? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। नेक्स्ट, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो इसमें स्टार लगाया हुआ है दोस्तों। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी
पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। कालांतर में शिशुनाग ने, याद रखना है कि जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई थी, तो उसने, याद रखना है कि अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्पों में यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है दोस्तों, तो शिशुनाग माना है। नेक्स्ट, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन राजवंश ने शासन किया, तो किसने शासन किया था दोस्तों, तो याद रखना है कि मौड़ वंश ने शासन किया था नंदवंश के विनाश के पास। अब मौड़ वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो याद रखना है दोस्तों, मगध के नंदवंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंदवंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गए। चारों ओर, याद रखना है, चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंदवंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ दोस्तों। इसके उपरांत शुंगवंश, कण्ववंश, गुप्त आदि ने शासन किया। तो इसका जो निकटतम जो सही विकल्प है दोस्तों, वो कौन सा, तो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है तो कौन सा है दोस्तों, तो खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है वह राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। और यह अभी भी यही सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था दोस्तों, तो खारवेल था, याद रखना है आपको। इसके समय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुफा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्मानंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख मिलता है, तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय शासक था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है नंदवंश, दूसरा है शुंगवंश, तीसरा है मौर्य वंश और चौथा है हरियक वंश। तो सबसे पहला हो जाएगा दोस्तों हरियक वंश, उसके बाद हो जाएगा नंदवंश। नंदवंश के बाद कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो मौर्य वंश आ जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, शुंगवंश, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी होगा। तो हरियक वंश का कार्यकाल कब से कब तक दिया गया दोस्तों, तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। नंदवंश का 344 से 321 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का 321 से 181 ईस्वी पूर्व। और शुंगवंश का कब से कब तक है दोस्तों, तो 184 से 75 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीव किसके दरबार में रहता था, तो यह किसके दरबार में रहता था दोस्तों, तो याद रखना है बिंबिसार के दरबार में रहता था। और इसे कहाँ पर भेजा गया था, तो अवंती के जो राजा थे दोस्तों चंद्र प्रघोत, उनको पांडु रोग हो गया था और उसके उपचार के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा था दोस्तों, तो अपने वैद्य राजवैद्य जीवक को। तो गौतम बुद्ध का प्रसिद्ध के समय का प्रसिद्ध जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रघोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था दोस्तों। नेक्स्ट है, कथन ए और बी को पढ़े। नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, तो इसका रीजन क्या है दोस्तों, तो याद रखना है कि इसमें जो है दोस्तों ए और बी दोनों सही है। यानी विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, यह बात बिल्कुल सही है। और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था दोस्तों, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शनों का प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट और पाइथागोरस थे दोस्तों।
वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, याद रखना है, मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा तथा पशु बलि को भी बढ़ावा दिया जाना लगा। दोस्तों तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो काल्पी नगर जो है दोस्तों यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो काल्पी नगर दोस्तों उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर काल्पी हो गया। यह चौथी सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर सूची वन को सूची टू से मिलान करना है दोस्तों। तो कुरु किसकी राजधानी थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो इंद्रप्रस्थी। पांचाल का क्या था दोस्तों? तो पांचाल का था अहिछत्र। कौशल का क्या था दोस्तों? तो कौशल का श्रावस्ती, जिसे साकेत भी कहा जाता है। और वत्स का क्या था दोस्तों? तो कौसाम्बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा? तो 4312। तो 4312 किस में है दोस्तों? तो ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो बी होगा। फिर सूची वन को सूची दो से मिलान करना है दोस्तों। तो मत्स्य का क्या था? तो मत्स्य का क्या था दोस्तों? तो विराटनगर था। कुरु का क्या था दोस्तों? तो इंद्रप्रस्थ था, याद रखना है आपको। सूरसेन का क्या था? तो मथुरा था। और अस्मक का क्या था दोस्तों? पोतन या पोटली भी इसको कहा जाता है दोस्तों। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो जाएगा कितना दोस्तों? तो 2। तो 3412 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3412 किस में दोस्तों? तो ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कंबोज का हाटक, यह बात बिल्कुल सही है। अस्मक का पोटी सही है। सूरसेन का जो था दोस्तों याद रखना है, सूरसेन का था मथुरा, न कि कौसाम्बी। कौसाम्बी किसका था दोस्तों? तो याद रखना है वत्स। वत्स का जो था दोस्तों, सॉरी यहाँ पेन ठीक से नहीं चला, वत्स का जो था दोस्तों वह क्या था? तो कौसाम्बी था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कौशल का श्रावस्ती, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो याद रखना है कि इसमें कितने महाजनपद स्थित थे? तो 8 महाजनपद इसमें जो थे दोस्तों स्थित थे। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान के 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इनके नाम इस प्रकार है, कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ किसमें किया गया है दोस्तों? तो भगवती सूत्र में कहा गया। और यह कभी भी सवाल आपसे पूछ सकता है 8 महाजनपदों के बारे में, जो कि यूपी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो याद रखना है दोस्तों, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, यह कथन जो है गलत है। तो प्राचीनकालीन भारत में यह शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई थी। तो याद रखना है कि प्राचीन भारत में जो है दोस्तों शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले को श्रेणी की संज्ञा दी गई थी। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था दोस्तों। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग दोस्तों यूनानी आक्रमण से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो किसका शासन था दोस्तों? तो उस समय जो था नंद वंश का शासन था। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों कौन था? धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों में क्या कहा गया दोस्तों? तो अगरमिच कहा गया। और यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। तो धनानंद का जो सेनापति था दोस्तों वह कौन था? तो भद्रशाल था। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना, वीवीआई पॉइंट है यह सब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन था दोस्तों? तो धनानंद था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो महापद्मानंद था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, कथन एक और कारण इसका दिया गया। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईस्वी में भारत छोड़ दिया। कारण है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। तो इसका रीजन क्या दिया गया दोस्तों? तो सी ए सही है, परंतु आर गलत है। यानी सॉरी दोस्तों, थोड़ा
ये सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है। यानी इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर 1925 में भारत लौटा था, यह बात बिल्कुल सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो हकामानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईस्वी पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटन से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था दोस्तों। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि इसका कारण जो है दोस्तों गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, यह युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो यह कौन था दोस्तों? तो मसग राज्य की जो स्त्रियाँ थी दोस्तों सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। कब? जब युद्ध में भारी संख्या में सैनिक मारे गए थे, तब आहत होकर उन्होंने हथियार उठा लिया था दोस्तों। तो ये भी सवाल है दोस्तों मसग से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज था जिसकी राजधानी मसग थी दोस्तों। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था दोस्तों। याद रखना है, BPSC में कभी भी यह सवाल पूछ सकता है आपसे मशक से रिलेटेड। नेक्स्ट है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो याद रखना है, भारत में सिकंदर की सफलता जो थी दोस्तों, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यह बात बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, यह बात भी बिल्कुल सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, इसका उल्लेख कहीं पर नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य है। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उस समय यहाँ डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी, आम्बी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था दोस्तों। अतः विकल्प जो है दोस्तों बी सही है, यानी 1, 2 और 3। नेक्स्ट, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो वो कौन था दोस्तों? तो राजा पोरस था। और सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था दोस्तों? तो आप किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस यानी पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपने राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए थे दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो कौन भारत में नहीं आया था दोस्तों? तो जो डाइमेकस था वो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, पेन थोड़ा नहीं चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो सी होगा। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया में के राजा एंटियोकस ने, याद रखना है, सीरिया के जो राजा थे दोस्तों एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। और यह VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान रखना है कि जो सीरिया के राजा थे एंटियोकस प्रथम, उन्होंने डाइमेकस नामक अपना राजदूत चंद्रगुप्त बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन मुझे कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर कोई हमारे स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।